हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले पार्टीशन यानी कि बंटवारे की। तो हिंदू फैमिली में बंटवारा कैसे होता है, ये पार्टीशन कैसे होता है, इस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना। तो सबसे पहले पार्टीशन, जिसका बहुत ही क्लियर मीनिंग है, यानी कि एक प्रॉपर्टी को जिसमें ज्वाइंट लाइबिलिटी थी पहले सबकी, सब लोग ज्वाइंटली उसे ओन करते थे, ज्वाइंट ओनरशिप था उसमें, उसमें को पार्टनर्स थे, उसका जब डिवीजन हो जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग पार्टीशन। अब ये डिवीज़न कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लायबल है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं हो सकता, ये सब हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ट्रू टेस्ट है पार्टीशन का, वो होता है इंटेंशन ऑफ द को पार्टनर्स, यानी कि जो को पार्टनर्स हैं उनका इंटेंशन होना चाहिए, किसी एक का भी इंटेंशन होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी में उसे अपना अलग शेयर मिले, तब तो वहीं पर होगा पार्टीशन। अब जो फैमिली एग्रीमेंट होता है और जो पार्टीशन होता है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि जो फैमिली एग्रीमेंट होगा उसमें कन्वीनियंस के हिसाब से डिवीज़न हो जाती है, लोग अपने कन्वीनियंस से चलो मुझे ये काम दे दो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी दे दो, उस तरह से होता है। और उसमें कोई भी फैमिली का मेंबर हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। मगर जो आपका पार्टीशन है उसमें ये ज़रूरी है कि सारे मेंबर्स को पार्टनर्स ही हो। पार्टीशन जो है वो एक ज्वाइंट स्टेटस को एंड पे ले आता है, मतलब कि पार्टीशन होने के बाद, वंस अ पार्टीशन इज़ ऑलवेज अ पार्टीशन, उसके बाद वो जो ज्वाइंट स्टेटस होता है वो ख़त्म हो जाता है टोटली। उसके बाद जो पार्टीशन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट की कोई डिक्री हो या कोई लीगल नोटिस हो, ये सब ज़रूरी नहीं है, वो लोग आपस में भी पार्टीशन कर सकते हैं। उसके बाद पार्टीशन में जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले तो जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब घर हो गया, ज़मीन हो गई, इस तरह की चीज़ें, वो सब है लायबल। उसके बाद जो आपकी ज्वेलरीज होंगी, इस तरह के जो भी एसेट्स हुए आपके जो ज्वाइंटली ओन्ड हैं फैमिली के तरफ से, उनका भी होता है डिवीज़न पार्टीशन में। फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसको भी डिवाइड किया जा सकता है पार्टीशन में। अब कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी पार्टीशन से, जैसे कि हो गया उसमें एक गाड़ी, अगर एक गाड़ी ही है किसी के पास तो उसे कैसे डिवाइड करोगे, किसी के पास एक चक्का, किसी के पास इंजन, इस तरह से तो दिया नहीं जा सकता, तो उसका भी डिवीज़न नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर्टी कॉमनली ओन्ड है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से तो उसे बेच करके उससे जो पैसे आएंगे उसे डिवाइड किया जा सकता है। उसी तरह से सिमिलरली जैसे कि कोई कैटल हो गया, फैमिली में जो कैटल ओन करते हैं उनको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। फैमिली आइडल्स को, स्टेयर केस को, आपके ऊपर जो पानी की टंकी होती है, बोरवेल होता है, पास्चर लैंड, उन सभी का डिवीज़न नहीं हो सकता। अब क्या रोड को, सड़क को डिवाइड तो नहीं कर सकते कि हाँ इतने में एक इंसान चलेगा, इतने में दूसरा, वैसा पार्टीशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। फैमिली आइडल्स मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं उनका भी डिवीज़न नहीं होता है पार्टीशन में। तो अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन इसे क्लेम कर सकता है पार्टीशन। जितने भी एडल्ट को पार्टनर्स हैं वो सारे कर सकते हैं, जो सन्स हुए, ग्रैंड सन्स हुए, वो लोग कर सकते हैं, और जो आफ्टर बॉर्न चाइल्ड हुआ, मतलब कि जो पार्टीशन के बाद जन्मा बच्चा मगर पार्टीशन के वक्त वो अपने माँ के वोम में था, वो पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है जो माइनर को पार्टनर्स हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। और परचेजर ऑफ अनडिवाइडेड को पार्टनर्स इंटरेस्ट, और जो अडॉप्टेड सन होगा वो भी कर सकता है। अब एक केस है, जैसे कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे डेब्ट हो और वो प्रॉपर्टी पहले ज्वाइंटली होल्ड की जा रही थी, सभी लोग मेंबर्स उसे होल्ड कर रहे थे, मगर उस पर डेब्ट है, और उसका अगर पार्टीशन होगा तो वो जो डेब्ट का अमाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा उसमें से, उसके बाद ही उसका डिवीज़न हो सकता है। अब ये जो पार्टीशन वो कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो आपका नोटिस दे करके, अगर नोटिस दे दी गई कि मुझे पार्टीशन चाहिए तो उससे पार्टीशन हो जाएगा। फिर आपका आर्बिट्रेशन से, फिर आपका जो नॉर्मली एग्रीमेंट हो जाते हैं इन फैमिली एग्रीमेंट, जैसे कि सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पार्टीशन हो जाए तो उसमें हो जाएगा पार्टीशन, मगर पार्टीशन का इंटेंशन होना चाहिए। और जो फादर होते हैं वो भी पार्टीशन कर सकते हैं अपने बच्चों के बीच में। उसके बाद फिर अगर किसी ने कन्वर्जन कर लिया, अपने हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चला गया, तो वहाँ पर भी प्रॉपर्टी में डिवीज़न हो जाएगा, उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा, बाकी के जो को पार्टनर्स हैं वो चाहे तो उस ज्वाइंट फैमिली में साथ रह सकते हैं। अब किसी ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर में शादी कर ली हो तो उसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब उसका शेयर अलग हो जाएगा। फिर अगर किसी ने सूट फाइल कर दिया पार्टीशन के लिए तो वहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई सीसेशन हो जाता, मतलब अलग थलग हो जाता, उसके बाद फिर अगर कोई अलग थलग हो जाता, मतलब जो फैमिली का ज्वाइंट में से साथ में खाना खाना, खाना बनाना, वो सब से अलग हो जाता है, और फिर कहता मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्टीशन चाहिए, तो उसे भी पार्टीशन मिल जाएगा। अब एक माइनर को पार्टनर वो भी फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है,
पार्टीशन के लिए, मगर उसका एक लीगल गार्जियन होना चाहिए जो उसके साथ हो उस वक्त। अब देखते हैं कौन कौन सिविल सूट फाइल कर सकता है पार्टीशन को लेकर के। तो सबसे पहले तो उसमें जो फादर हो गए वो कर सकते हैं, और जो बाकी के कोपासनर्स हैं वो कोपासनर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, उनके सन्स, और अगर वो डिसीज हो गया कोपासनर तो उसके बच्चे, उसकी विधवा बीवी, माइनर सन और डॉटर दोनों कर सकते हैं अगर उनके फादर प्री डिसीज्ड हैं। कोई भी अलाइनी सूट फाइल कर सकता है पार्टीशन के लिए, और जो कोपासनर प्रॉपर्टी का परचेजर होगा वो भी सूट फाइल कर सकता है इसके लिए। अब मैंने शुरू में बोला था कि वंस अ पार्टीशन इज ऑलवेज अ पार्टीशन, मगर क्या एक पार्टीशन दोबारा से रीओपन नहीं हो सकता क्या? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक पार्टीशन दोबारा से रीओपन हो जाएगा अगर वो कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो क्या है वो एक्सेप्शनल कंडीशंस, वो जान लो। अगर एक पार्टीशन हो गया और आप चाहते हो कि उसे रीओपन कराया जाए, उस पार्टीशन को सही ढंग से कराया जाए दोबारा से वो पार्टीशन, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी? इसमें पहला आता है कि अगर कोई चाइल्ड है वो वूम में था और उसे उसका शेयर नहीं मिला हो, तो वो जब मेजर हो जाए या फिर जब उसका कोई एक लीगल गार्जियन अपॉइंट हो जाए तो वो सूट फाइल कर सकता है और उस पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। दूसरा कंडीशन ये आ जाता है कि अगर पार्टीशन के वक्त में कोई भूल चूक से रह गया हो, उसे उसका शेयर ना मिला हो, तो वो भी सूट फाइल करके इसे रीओपन करवा सकता है। अब किसी को अनफेयर शेयर मिल गया, किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल गया, और वो अनफेयर था, पार्टीशन के वक्त अगर उसने नहीं बोला तो वहाँ बाद में भी इसे बोल करके पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है, और जब पार्टीशन रीओपन हो जाएगा तो उसे उसका शेयर परफेक्टली मिल जाएगा। या फिर अगर कोई भी ऐसा नियम कानून फॉलो नहीं हुआ, कोई भी लॉ फॉलो नहीं हुआ जो कि बताता है कि पार्टीशन कैसे होना चाहिए, तो वहाँ पर सूट फाइल करके उससे रीओपन कराया जा सकता है। अब इसमें जो शेयर मिलेगा वो ब्रांच वाइज मिल जाएगा। अब इसका शेयर कैसे डिवाइड होगा वो देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली में चार मेल्स हैं, एक उनके पिताजी हैं, तीन बच्चे हैं, तो यहाँ पे 1/4 डिवीज़न हो जाएगा प्रॉपर्टी का, सबको 1/4 मिलेगा, चार हिस्सों में प्रॉपर्टी बढ़ गई। मगर उन जो सन्स हैं उनके, उनके भी बच्चे हैं, तो उनको कौन से प्रॉपर्टी से मिलेगा? तो वो जो मेन प्रॉपर्टी होगी उससे नहीं, उनको उनके पिता के प्रॉपर्टी से मिलेगा, उसमें से उनका शेयर होगा। अब अगर उनके पिता प्री डिसीज्ड हैं तो उनके पिता का टोटल शेयर जो है उनके पास पहुंच जाएगा, और अगर वो एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पे उनमें भी डिवीज़न हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे यही है कि रिप्रेजेंटेशन का भी डॉक्ट्रिन लगता है। अगर कोई एक सन उनका प्री डिसीज्ड है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का डॉक्ट्रिन लग जाएगा, ऐसे ही करके इसमें शेयर भी डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीख लिया कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होता है, उसमें जो कोपार्टनर्स होते हैं उनको कैसे कैसे शेयर मिलता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लायबल है, कौन सी प्रॉपर्टी नॉट लायबल है, और इसमें सूट कौन फाइल कर सकता है, कौन सूट फाइल नहीं कर सकता, और जो सूट फाइल करना होता है, जो केस डालना होता है कोर्ट में, वो एक लास्ट प्रोसेस है। मतलब अगर आपको कहीं से भी पार्टीशन नहीं मिल रहा या फिर अनफेयर लग रहा है तो ही आप सूट फाइल कर सकते हो, वरना आप आर्बिट्रेशन से, एग्रीमेंट से जनरली कर सकते हो पार्टीशन। और हाँ, पार्टीशन में आपका मेन इंटेंशन पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको हिंदू लॉ में कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करना जरूर से अपने फ्रेंड्स के पास में जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो की, और वो भी कुछ सीख सकें इस वीडियो से।